स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे और एक ब्लॉग पर। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संदीप द ब्लॉगर। तो इससे पहले मैंने आपको मेरे चैनल पे गांव का मेला काफ़ी देखा है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शहर का मेला। तो चलिए शहर का मेला घूमते हैं और आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छा बने और आपको पसंद आए। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए घूमते हैं शहर का मेला। और बता दूँ ये रांची के मुरादाबादी में लगा हुआ है और आज आखिरी दिन है। 28 अप्रैल से यह लगा हुआ था और 8 मई को आज ख़त्म होने वाला है। तो फाइनली मुझे मौका मिल गया वीडियो बनाने का। तो चलिए इसका वीडियो बनाते हैं मेला का और आई होप कि वीडियो अच्छा बने। तो चलिए अब चलते हैं मेले का अंदर। सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है ये मुरादाबादी मैदान है और इस जगह मैं पहली बार आया हूँ और पूरा पीछे आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। सो गाइस इस मेले का नाम है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो चलिए घूमते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। आज आखिरी डेट है तो आई होप कि भीड़ काफ़ी होगी। चलिए जाते हैं और घूमते हैं। सो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट 30 रुपीज़ है। चलिए चलते हैं और टिकट कटाते हैं उसके बाद अंदर एंटर करते हैं। ₹30 4 टिकट। सो भाई टिकट मिल चुका है, चलिए अब चलते हैं अंदर। सो इधर यार दोनों तरफ गलियारे बने हुए हैं, गलियारे में एक गलियारा है, दोनों तरफ शॉप लगे हुए हैं और हर अंदर में घुस के बहुत सारे आइटम्स हैं और उन सब आइटम को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ब्लॉग काफ़ी अच्छा रहेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस अभी पीछे वाला जो बुद्ध की प्रतिमा जो देख रहे हैं ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अभी इसे खरीदने का औकात नहीं है मुझे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे रहते हैं ना ज़रूर खरीदता मैं इसे। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे नीचे जो स्मोक निकल रहा है देखिए, देख सकते हैं यहाँ से स्मोक निकल रहा है जो कि काफ़ी इसको खूबसूरत बना रहा है। सो भाई लोग अभी जो ये आइटम देख रहे हैं ना सभी ईरान से हैं। देखिए वहाँ देखिए झंडा लगा हुआ है और ये सारे आइटम ईरान से आए हुए हैं, समझ लीजिए इंडिया में रह के ईरान का फील कर लीजिए। वैसे अगर मेरा ब्लॉगिंग करियर में कभी ईरान जाने का मौका मिलेगा का यार ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी रांची में ही ईरान देखने को मिल रहा है। ईरान का कुछ कल्चर नहीं है, कुछ सामान है तो देख लीजिए। आई थिंक ये पर्स होंगे शायद, देखो ये ले सकती हो, देखिए बहुत अच्छा बहुत आइटम आ जाएगा। देखिए ये भाई ये ईरान से हैं और ये सारे जो आइटम है ना सब ईरान के हैं। हाउ मच? 500। सो यार ये जो पर्स है ना ये 500 के हैं एंड क्लॉक 5000 भैया। तो यार क्लॉक देख सकते हैं यहाँ पे रेट भी मेंशन किया गया है 5000। देख रहे भाई ईरान का खजूर है, ये ईरान का खजूर है, ऐसा बड़ा इतना हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा खजूर नहीं मिलता है। देखिए ईरान का खजूर भाई दिखाने तो दो, पड़े देश खजूर वी कॉल खजूर, इट्स फ्री
भाई ऐसा खजूर खाने के लिए आपको ईरान जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो चलिए टेस्ट कर लेते क्या करना है। पता नहीं जीवन में कभी ईरान जाना पड़ेगा मिलेगा कि नहीं ईरान जाने को, पर खा ले रहे हैं ईरान का खजूर। टेस्ट यार सेम ही है, बस खाली साइज़ का थोड़ा बड़ा है। तो भाई लोग यहाँ पे बांग्लादेशी साड़ी देखिए, ये भी जितने साड़ी है बांग्लादेश से आए हुए हैं, पर ये वाले मैंने कभी नहीं देखे, पता नहीं ये क्या है यार। भाई ये देख सकते हैं ना, ये अखरोट है और इसका टेस्ट है ना, एक जंगल में फल आता है हम लोग यहाँ झारखंड में और उसके बीच से एक निकलता है, उसका जैसे टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे 10 आदमी देख रहे हैं, 10 आदमी में से 8 आदमी 10 आदमी खा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 ही आदमी खरीद रहे हैं। भाई अभी हम देखे अब बहुत कोई को देखे खड़े हुए थे ना, जिसमें से 10 आदमी खा रहे हैं उसमें से 2 ही आदमी खरीद के ले जा रहे हैं, 8 खा के सिर्फ चल जा रहे हैं, और मैं भी उनमें से हूँ जो सिर्फ खा रहे हैं और सीधे आगे निकल रहे हैं। तो भैया सर थैंक यू भैया खिलाने के लिए। तो यार वेदर देख सकते हैं, पानी गिरेगा जैसा लग रहा है। सो गाइस वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।